नमस्कार। देखिए, आज क्लास टेंथ के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें क्लास पिछली वीडियो में मैं प्रकाश के बारे में पढ़ा रहा था, प्रकाश के परावर्तन, दर्पणों से परावर्तन और उससे संबंधित कुछ, दर्पणों से संबंधित कुछ हमने शब्दावली का को परिभाषित किया था। और आज हम दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं इसका बारे में हम समझाएंगे। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाया जाता है तो किन किन चीज़ों के बातों का ध्यान रखना पड़ता है या किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहला नियम ये है, मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं, इस टाइप के नोट्स दिए हुए हैं आपके, उसमें सब लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, मुझे केवल यहाँ पर समझाना है। पहला नियम ये है, पहला नियम ये कहता है, ये दर्पणों से, दर्पण गोली दर्पणों से, गोली गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनाना, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम, गोली गोली दर्पण से, गोली दर्पण से, दर्पणों से प्रतिबिंब बिंब बनाने के नियम, के नियम, सही नियम। इसमें पहला नियम तो यह है, पहला नियम यह है कि अगर कोई वस्तु अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, वो किसमें होगी, वो हमारे उत्तल दर्पण में होगी। ये देखिए, अगर इस तरह से कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, वो हमें ये पता चलेगा कि कहाँ से होके आ रही है, फोकस से होके आ रही है, इसका फोकस है और ये इसका ध्रुव है। अब इसी तरह से दूसरा नियम क्या है, इसका उल्टा है। उल्टा नियम क्या है कि अगर कोई किरण फोकस से आ रही है, जैसे इस टाइप से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये तो हमारा हुआ उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और वो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम यह कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर आती है, वक्ता केंद्र से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, तीसरा नियम यह कहता है कि अगर कोई किरण वक्ता केंद्र से आती है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया, अगर कोई किरण वक्ता केंद्र से आती हुई आ रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस चली जाएगी। इसमें तो आ रही है, या इसमें क्या हो रहा है, वक्ता केंद्र की ओर आती हुई आपतित होती है उत्तल दर्पण में। वक्ता केंद्र इसका ये है और ये इसका फोकस है और इसकी ओर आ रही है, इसकी ओर आ रही है, ये तो ये क्या होगा, इसमें वापिस चली जाएगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका अभिलंब वक्ता केंद्र से होकर जाता है इस बिंदु का, आपतन बिंदु का, तो यहाँ पे हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जीरो होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जीरो होंगे और इन सभी परिस्थितियों में आपके परावर्तन के नियम लागू हो रहे हैं। अब मैं बताता हूं अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाया जाए। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, सबसे पहले हम अवतल दर्पण से लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण में केस ज्यादा हैं और उत्तल दर्पण में केवल एक ही केस है,
तो सबसे पहले हम ज्यादा वाले केस पढ़ते हैं। सबसे पहले है नंबर एक, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, का बनना। अब सबसे पहला केस लेते हैं, इसमें सात केस, सॉरी सिक्स केस हैं। इसमें हम सबसे पहला केस लेते हैं, जब वस्तु तो अनंत पर रखी हो। नंबर एक, जब वस्तु तो अनंत पर रखी हो, वस्तु अनंत पर रखी हो, पर रखी हो। ये चीज आप अच्छा बारह में भी पढ़ेंगे और अभी आप दस में पढ़ ही रहे हैं। ये देखिए, ये स्थिति है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र है और वस्तु तो बहुत दूर रखी है, अनंत पर रखी है। तो यहां से आने वाली जो किरणें होंगी वो समानांतर होंगी और ये सभी फोकस से होके जाएंगे, ये भी समानांतर होंगी, ये भी फोकस से होके जाएंगी। तो इस तरह से हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा और ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, छोटा, उल्टा होगा, उल्टा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरी स्थिति ये है नंबर दो, जब वस्तु अनंत तथा तथा वक्ता केंद्र के बीच रखी हो, तथा वक्ता केंद्र के बीच रखी हो, बीच रखी हो, बीच रखी हो। ये स्थिति है, देखिए ये, देखिए ये स्थिति है और ये ध्रुव, फोकस और ये वक्ता की, वक्ता की ध्रुव, ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्ता की बस यहां रखी। अब देखिए, हमने पहला नियम बताया था कि किरण समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरी किरण हम फोकस से होते लेते रहे तो ये परावर्तन के पश्चात समानांतर हो, समानांतर हो जाएगी। थोड़ा सा संभाल के देखिए, इस तरफ से, इस तरह से ये प्रतिबिंब ये बनेगा, ये वस्तु रही ए बी और ये प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो ये भी कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक, बहुत छोटा, बहुत छोटा, छोटा, उल्टा, उल्टा, फोकस, फोकस तथा वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, बनेगा। अब देखिए अगला केस लेते हैं, वास्तविक होगा ये, बहुत छोटा होगा और उल्टा होगा, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। अब मैं जो केस ले रहा हूं उसमें ले रहा हूं वस्तु जब वक्ता केंद्र पर रखी हो, ये तीसरा केस है, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो, तीसरा केस है, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर, केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष रहा, ये ध्रुव रहा, ये फोकस रहा, ये वक्ता केंद्र रहा। ये ध्यान रखें हमेशा ये दूरियां बराबर रखें। तो ये वस्तु रखी हुई है, यहां से ये आएगी और प्रतिबिंब भी इसका यहीं पे बनेगा। इस तरह से पहले प्रतिबिंब बना लीजिए, इस तरह से ये और ये, 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 ये इस तरह से।
तो ये ए बी और ए डैश बी डैश, तो ये कैसा होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक वास्तविक सीधा सॉरी उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बराबर कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, केंद्र पर बनेगा, बनेगा, बनेगा। इसी तरह से चौथा केस है, जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच रखे, बीच रखे। तो देखिए इसमें ये स्थिति होगी, ये देखिए और ये देख रहे हैं, और ये फोकस होगा एफ, ये वक्ता केंद्र होगा, वस्तु यहां रखी हुई, वस्तु यहां रखी हुई, ये देखिए समानांतर जाके परावर्तन के पश्चात फोकस से, और दूसरी फोकस से हम लेंगे तो ये प्रतिबिंब यहां बनेगा। अब हमारा प्रतिबिंब बड़ा हो गया, पहले वस्तु छोटी है, छोटी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनना है? बड़ा बनना है, लेकिन उल्टा बनना है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो ये कैसा होगा? ये भी वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? हमेशा दर्पण के आगे बनते हैं, तो ये प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनना है, तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा ठीक है, वक्ता त्रिज्या, त्रिज्या तथा तथा अनंत के बीच बनेगा, के बीच बनेगा, बीच बनेगा, बनेगा। अब पांचवा केस क्या आता है? जब वस्तु फोकस पर रखी हो, देखिए इसमें थोड़ी स्थिति अलग होगी, लेकिन कहां रखी हो? जब वस्तु फोकस पर रखी हो, फोकस पर। अब देखिए प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है, अब मैं अगला केस ले रहा हूं, पांचवा केस है, सॉरी चौथा केस है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, फोकस पर रखी, जब वस्तु हमारी कहां रखी हो? फोकस पर रखी हो, तो स्थिति क्या होगी? फोकस पर, ध्रुव फोकस वक्ता केंद्र, और यहां पर रखियो ए बी, तो देखिए यहां से और ये इस दिशा से और ये वायर, ये कैसे होंगी? समानांतर किरण होंगी, समानांतर, और ये कहां मिलेंगी? अनंत पर। इस काल्पनिक चीज है, लेकिन ये अनंत पर जाके मिलेंगी, ये हम मानते हैं। तो ये भी इधर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये कैसा होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, से बहुत बड़ा होगा, बड़ा होगा, और अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, बनेगा। ये हमारी पांचवी स्थिति थी, पांचवी पर बनेगा। अब तीसरा जो केस है, ये अभी तक हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? वास्तविक बन रहा था। वास्तविक प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं थी? वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं ये होती हैं कि उधर ही बनता है, बस दर्पण के आगे बनता है। तो इसमें अभी तक हमारे प्रतिबिंब सब इधर बन रहे थे,
कभी प्रथम छोटे बन रहे थे, कभी प्रथम वस्तु के बराबर बन रहे थे, कभी प्रथम वस्तु से छोटे वस्तु से बड़े बन रहे थे, और जब इस वाली स्थिति में तो प्रथम हमारा बहुत बड़ा बन रहा है। अब जो स्थिति है वो इन सबसे हटके है, वो क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। जब बस जब प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो, इसमें देखिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, छठा केस है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, बीच रख ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, यह स्थिति है। देखिए ध्रुव फोकस और ये वक्ता के वस्तु यहां रखिए, ये यहां से होके जाएगा फोकस से होके, और ये इधर तो कहीं मिलने वाला नहीं, ये कहां मिलेंगे पीछे, ये प्रतिबिंब बनेगा, ये ए बी और ये ए डस बी डस, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये बड़ा होगा, सीधा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो कि ये कैसा होगा, ये प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी 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 वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए आज हमने आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना बताया, कल अगला जो वीडियो होगी, कल नहीं अगले जो वीडियो होगी एक दिन बाद, वो उसमें हम बताएंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। मैं आपको ये बता दूं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की छह स्थितियां होती हैं, छह स्थितियों में पांच स्थितियों में हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल एक ही स्थिति होती है, एक ही स्थिति होती है और उसमें भी प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ आभासी प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा बने हुए आभासी प्रतिबिंब में एक समानता होती है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। ये हम आपको अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और इन छुट्टियों का पूरा पूरा फायदा उठाइए। धन्यवाद।